नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार सरकार अपने कार्य को लेकर कार्यरत नजर आ रही है। लगातार अब एक पर एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि आलोक मेहता का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो यह बतलाते नजर आ रहे हैं कि भूमिहीन जनता को भूमि मिलने वाली है। क्या प्रक्रिया होगी, क्यों मिलेगी और कैसे, देखिए पूरी रिपोर्ट। उनका भी सर्वे हमने कहा है कि 3 महीने के अंदर बिहार के भूमिहीनों की जो संख्या है और अलग अलग जगह क्या है, उनका एक सर्वे कराकर और रिपोर्ट हमने मंगवाया है विभाग में। हमारी प्राथमिकता होगी कि उन भूमिहीनों को जो 3 डिसमिल जमीन देने की, 3 से 5 डिसमिल जमीन देने की बात है, उस दिशा में हम कार्रवाई करें। साथ ही अभी भूदान की ज़मीनें जो हैं उनके आइडेंटिफिकेशन और उससे संबंधित एक सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है। हमें उम्मीद है कि उस आयोग के माध्यम से भूदान की ज़मीनों का मतलब को चिन्हित किया जा सकेगा और बड़ी ही संख्या में जो भूमिहीन हमारे राज्य में हैं, उन भूमिहीनों के बीच उस ज़मीन का आवंटन किया जाए। लगभग 4325 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी और उनकी पदस्थापना भी हो चुकी है। वो अब अपने अपने जगह पर ज्वाइन करने वाले हैं। अभी सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे 5 फेज में ज़मीन का सर्वे किया जाएगा और सर्वे का कार्य 5 फेज में पूरा किया जाएगा मार्च 2024 तक। बिहार में सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और प्राथमिकता हमारी होगी कि जिस जिला में ज़्यादा लैंड डिस्प्यूट है, भूमि विवाद जिस जिला में ज़्यादा है, वहाँ पर हम अपेक्षाकृत पहले सर्वे का काम पूरा करें, क्योंकि सर्वे करने से क्लैरिटी होने से जमीन विवाद घटेगा और उस क्रम में हम चाहेंगे कि जो पाँच फेज है, 2 फेज में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और तीसरा, चौथा फेज, पांचवा फेज सब में काम लगा हुआ है। अभी लगभग 2745 2745 कर्मचारियों की, राजस्व कर्मचारियों की और नियुक्ति करने का निर्देश हमने विभाग को दिया है कि जल्द से जल्द उस प्रक्रिया को पूरा कर, एडवर्टीजमेंट वगैरह जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा कर और उतनी नियुक्ति, कर्मचारियों की संख्या चूँकि कम है सर्वे के दृष्टिकोण से भी और अन्य कार्य जो राजस्व विभाग के हैं उसके दृष्टिकोण से भी। तो देखा आपने कि आलोक मेहता ने साफ तौर पर बताया है कि भूमिहीन लोगों को 5 डेसिमल भूमि दिलवाया जाएगा, 5 डेसिमल भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जो प्रक्रिया है उस हिसाब से, उस प्रक्रिया के अनुसार इन लोगों को भूमि प्रदान की जाएगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।